एक ऐसी रहस्यमय लड़की जो 64 दिनों तक रात दिन सिर्फ सोती ही रही, पर ऐसा क्यों हुआ उसके साथ? और साइंटिस्ट अपने एक्सपेरिमेंट्स हमेशा चूहों पर ही क्यों करते हैं, वजह चौंका देंगी। और क्या हुआ जब न्यूयॉर्क की जेल में एक एयरप्लेन दुर्घटनाग्रस्त हो गया? और एक ऐसा देश जहां जेल तोड़कर भागना कोई अपराध नहीं है, और क्या हो अगर कोई इंसान सांप का जहर पी ले तो? और एक ऐसी बेडशीट जो आपके पाद की बदबू को कमरे में फैलने से रोक देगी? यदि आप इन फैक्ट्स के बारे में नहीं जानते तो बने रहिए रहस्य टॉक शो के इस नई वीडियो के आखिर तक। नंबर 20। दुनिया के ज्यादातर देशों में जेल से भागना या भागने की कोशिश करना भी क्रिमिनल ऑफेंस है, और अगर कोई कैदी ऐसा करते पकड़ा जाता है तो तब उसकी सजा और बढ़ा दी जाती है। लेकिन जर्मनी एक ऐसा देश है जहां जेल से भागना या भागने की कोशिश करने को अपराध नहीं माना जाता है। जेल से भागने पर भी कैदियों को कोई सजा नहीं दी जाती, बस उसे पकड़कर दोबारा जेल में डाल दिया जाता है ताकि वो पहले से मिली अपनी सजा को पूरी कर डाले। जेल से भागने को अपराध न मानने की वजह ये है कि जर्मनी के कानून का ऐसा मानना है कि आजाद होने की ख्वाहिश एक नॉर्मल ह्यूमन इमोशन है और इसके लिए कोई सजा देना गैर जरूरी है। नंबर 19। आपको जानकर हैरानी होगी कि अमेरिका में एक ऐसी लड़की रहती है जो 24 घंटे में 18 से 19 घंटे सोती है, और कभी कभी तो ये हफ्ते, महीने और दो दो महीने तक सोई रहती है। दरअसल निकोल डेलाइन नाम की 25 साल की ये महिला कियानी लेविन सिंड्रोम से ग्रसित है। इस सिंड्रोम की वजह से इसे हमेशा नींद ही आती रहती है। वर्ष 2012 में तो निकोल को ऐसी भयंकर नींद आई कि वो 64 दिनों तक सोती ही रही। आपको बता दें कि पूरी दुनिया में सिर्फ 1000 लोग ही कियानी लेविन सिंड्रोम से ग्रसित है। इसी कमाल के फैक्ट पर प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। नंबर 18। इंग्लैंड की श्वीडीज नाम की कंपनी ने एक ऐसी बेडशीट का आविष्कार किया है जो रात में सोते समय कपल्स की सबसे बड़ी समस्या का हल कर सकता है। असल में इस कंपनी ने एंटी फार्टिंग बेडशीट्स तैयार की है। इस बेडशीट में कार्बन पैनल बने हुए हैं जो कि पेट से निकलने वाली गैस को कमरे में फैलने से रोक लेता है। यहां तक कि बगल में सो रहे पार्टनर तक भी इसकी बदबू नहीं पहुंचती। बेडशीट के अलावा इस कंपनी ने एंटी फार्टिंग अंडरवियर और जींस भी बनाए हैं जो पब्लिक प्लेसेस में फार्ट की बदबू को बाहर निकलने नहीं देता है। इस कंपनी का कहना है कि वो अपने प्रोडक्ट से लोगों को फाट की शर्मिंदगी से बचाना चाहती है। नंबर 17। कहते हैं अगर इंसान अच्छे कर्म करने लग जाए तो उसके बुरे कर्म भुला दिए जाते हैं। ऐसा ही एक वाकया न्यूयॉर्क में तब घटा जब 1957 में राइकर्स आइलैंड के जेल परिसर के पास एक विमान हादसे का शिकार हो गया। इस हादसे में विमान में सवार सभी 101 लोग बुरी तरह घायल हो गए थे। जेल में बंद कैदियों ने जैसे ही हादसे की आवाज सुनी, सभी कैदी जख्मी लोगों की मदद करने के लिए दौड़ पड़े। लगभग 57 कैदियों ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर दर्जनों पैसेंजर्स की जान बचाई। उन सभी कैदियों के इस अच्छे काम के लिए उन्हें न्यूयॉर्क गवर्नमेंट की तरफ से तोहफा भी दिया गया, जिसमें कई कैदियों को रिहा कर दिया गया और कई कैदियों की सजा कम कर दी गई। नंबर 16। क्या आपने कभी ये सोचा है कि अगर कोई इंसान सांप का जहर पी ले तो उसका क्या होगा? आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में कई लोग ऐसे हैं जो इस कारनामे को अंजाम दे चुके हैं, और वो सब सांप के जहर को पीने के बाद भी जिंदा है। दरअसल दोस्तों, सांप का जहर एक तरह का प्रोटीन होता है जो हमारे पेट में जाने के बाद आसानी से पच जाता है, क्योंकि हमारे पेट के अंदर कई एसिड ऐसे होते हैं जो सांप के जहर से भी ज्यादा खतरनाक होते हैं। हालांकि सांप के जहर को पीते समय अगर शरीर के भीतर भाग में कोई कट या घाव है तो वो जहर आपके खून में मिल जाएगा, जिससे जहर पीने वाले की मौत भी हो सकती है। इसी अमेजिंग फैक्ट पर प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नंबर 15। नेटफ्लिक्स पर अब तक का सबसे ज्यादा बार देखे जाने वाली सीरीज स्क्विड गेम के लिए नेटफ्लिक्स ने इसके मेकर्स को $21.4 मिलियन दिए थे, यानी इतने पैसे में नेटफ्लिक्स ने इस सीरीज को खरीदा था। आपको जानकर हैरानी होगी कि $21.4 मिलियन में खरीदी गई इस सीरीज से नेटफ्लिक्स ने लगभग $900 मिलियन की कमाई की। नंबर 14। जैपनीज कल्चर के हिसाब से नए साल के पहले दिन आपको जो सपना आएगा वो आपके पूरे साल की भविष्यवाणी कर सकता है, इसलिए जापान के बहुत से लोग 31 दिसंबर की रात बिना सोए बिताते हैं, जिससे वो 1 जनवरी की रात आने वाले सपने का एक्सपीरियंस कर पाए। अगर किसी को सपने में माउंट फौजी, हॉक या बैंगन देखने को मिलता है तो तब वो इंसान खुद को भाग्यशाली मानता है, और ऐसा माना जाता है कि आने वाला एक साल उसके लिए काफी अच्छा बीतेगा। नंबर 13। कभी कभी जब हम कोई चीज परमानेंट नहीं खरीद सकते तो तब हम उसे रेंट पर ले लेते हैं, लेकिन क्या आपने रेंट की मम्मी लेने के बारे में सुना है? अगर नहीं तो हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दुनिया में एक ऐसा भी देश है जहां आपको किराए की मम्मी भी मिल जाती है। हम बात कर रहे हैं न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन सिटी की, जहां आप केवल $40 के बदले मम्मी को रेंट पर ले सकते हैं, जो आपकी बात सुनेगी, आपको एडवाइस देगी, आपके लिए खाना बनाएगी, यहां तक कि आप इस रेंट वाली मम्मी के साथ घूमने भी जा सकते हैं। नंबर 12। आपने पौराणिक कथाओं में सुना होगा कि लोग अपनी इच्छा पूर्ति के लिए भगवान की तपस्या करते थे, जिससे प्रसन्न होकर भगवान उसकी इच्छा पूर्ति कर दिया करते थे। जिम्बाब्वे के रहने वाले एक बंदे ने पौराणिक कथाओं की ऐसी कहानियों को बिल्कुल सीरियसली ले लिया, और फिर इस बंदे ने अपने गॉड से लैम्बोर्गिनी हासिल करने के लिए 40 दिनों का फास्ट रखने का फैसला किया। लेकिन 33वें दिन ही इस बंदे की हालत खराब हो गई और उसे हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा। वेल, अगर इस बंदे का फास्ट 40 दिनों तक कंटिन्यू रहता तो फिर भगवान इसे लैम्बोर्गिनी देने तो नहीं, लेकिन यमराज इसकी आत्मा लेने जरूर आ जाता। नंबर 11। बिहार के एक आशिक ने अपने प्रेमिका से मिलने के लिए जो किया, उसे जानकर आपको हैरानी कम और हंसी ज्यादा आएगी।
की। बिहार में रहने वाला एक आशिक जो बिजली विभाग में काम करता था, वो अपनी प्रेमिका से अकेले में मिलने के लिए रोजाना शाम को पूरे 2 घंटे के लिए बिजली काट दिया करता था। बिजली काट देने से पूरे गांव में अंधेरा पसर जाता था और ये दोनों आराम से रंगरलियां मनाया करते थे। हालांकि एक दिन गांव वालों ने इन दोनों को रंगे हाथ पकड़ लिया और फिर इन दोनों की शादी करा दी। हैरानी की बात यह है कि ये लड़का पहले से ही शादीशुदा है। नंबर 10, गुजरात के राजकोट से एक ऐसा हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है जिसमें एक बंदे ने एडल्ट कंटेंट देखने के चक्कर में 16 लाख रुपए खर्च कर डाले। और सबसे हैरानी की बात यह है कि उसने ये पैसे अपने पास से नहीं बल्कि अपनी कंपनी के अकाउंट से खर्च किए। तुषार सेजपाल नाम का ये बंदा राजकोट की एक फर्म में बतौर अकाउंटेंट नौकरी कर रहा था। फर्म के सारे पैसे यही मैनेज किया करता था। वर्ष 2019 के बाद इसने पोर्न देखने के लिए अब तक 16 लाख रुपए खर्च कर दिए थे। सिर्फ इतना ही नहीं, ये बंदा अपनी फर्म के पैसे सपना नाम की अपनी गर्लफ्रेंड को भी भेजा करता था। फर्म के मालिक के अनुसार तुषार सेजपाल ने फर्म के अब तक 85 लाख रुपए अपनी गर्लफ्रेंड के अकाउंट में ट्रांसफर किए हैं। फिलहाल पुलिस ने तुषार सेजपाल को गिरफ्तार कर लिया है। नंबर 9, दोस्तों आप लोगों ने कभी न कभी प्लेन में सफर तो जरूर किया होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि प्लेन में आप सिर्फ 350 ग्राम कॉफी ही ले जा सकते हैं? जी हाँ, अगर आप चुपचाप अपने लगेज में तय मात्रा में ज्यादा कॉफी छुपा कर ले जाते हैं तो आपको मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही वो अपनी ओरिजिनल पैकिंग के साथ होनी चाहिए, क्योंकि कई बार एयरपोर्ट्स पर ऐसे मामले देखने को मिलते हैं जहाँ ड्रग्स की स्मगलिंग करने वाले लोग ड्रग्स की स्मेल दबाने के लिए उसे कॉफी में छुपा कर ले जाते हैं, क्योंकि कॉफी की स्मेल के आगे ड्रग्स की स्मेल दब जाती है। इसीलिए कॉफी के लिए ये नियम बनाए गए हैं। नंबर 8, दोस्तों कभी ना कभी आपके दिमाग में ये सवाल तो जरूर आया होगा कि वैज्ञानिक हमेशा चूहों पर ही एक्सपेरिमेंट क्यों करते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स के लिए चूहों का इस्तेमाल 200 साल पहले से किया जा रहा है। रिसर्च में चूहों के अधिक प्रयोग करने की सबसे बड़ी वजह यह है कि चूहे किसी भी जगह या माहौल के अनुसार खुद को एडजस्ट कर लेते हैं। साथ ही साथ इनके दिमाग की बनावट और काम करने का तरीका बहुत हद तक इंसानों के दिमाग के जैसा ही है। यही वजह है कि किसी भी ड्रग या मेडिसिन का टेस्ट करने से पहले चूहों पर ही किया जाता है। नंबर 7, वर्ष 2014 में अमेरिका के रहने वाले गिनी ग्रिफ्थ ने अपने घर से स्पाइडर यानी मकड़ी को भगाने के लिए उसके जाले के पास कुछ कपड़े रखकर उसमें आग लगा दी। स्पाइडर को मारने की कोशिश में लगाई गई ये आग देखते ही देखते पूरे घर में फैल गई और गिनी ग्रिफिथ की बेवकूफी की वजह से उनका पूरा घर उन्हीं के हाथों जलकर राख हो गया। नंबर 6, आपको जानकर हैरानी होगी कि कोई भी शादीशुदा लेडी मिस यूनिवर्स नहीं बन सकती। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि कोई भी लड़की शादी के बाद मिसेज बन जाती है, इसलिए एक शादीशुदा लेडी मिस यूनिवर्स नहीं बन सकती। अगर कोई लेडी मिस यूनिवर्स के लिए नॉमिनेट हुई हो तो वो शादीशुदा है, तो इसे इस कॉम्पिटिशन से अपना नाम वापस लेना होगा। नंबर 5, कभी कभी लोगों को ऐसी कीमती चीजें मिल जाती हैं जिसकी कीमत के बारे में उन्हें सालों तक पता नहीं चलता। कुछ ऐसा ही हुआ नॉर्थ कैरोलिना के एक किसान के साथ, जिसे वर्ष 1799 में अपने पारिवारिक फार्म में ही एक 7.7 किलोग्राम का गोल्ड नजेट मिला था। लेकिन जानकारी के अभाव में वो किसान फार्म में मिले गोल्ड नजेट को पूरे 3 साल तक डोर स्टॉप की तरह यूज करता रहा और 1802 में एक ज्वेलर ने उस गोल्ड नजेट को $3.5 लाख में खरीद लिया, जबकि उस दौर में उस गोल्ड नजेट की कीमत पूरे $3600 थी। अब ये तो वही बात हो गई कि किस्मत खराब हो तो हाथ आया सोना भी पीतल बन जाता है। नंबर 4, कई बार कुछ नया करने के चक्कर में हम सबके सामने अपना मजाक बनवा लेते हैं। कुछ ऐसा ही इस वीडियो में हुआ। असल में थाई मॉडल सैंग ची जब इस एलिफेंट के साथ बिकनी में शूट करवाने के लिए इस एलिफेंट की सूंड पर बैठकर पॉज कर रही थी, तो तभी अचानक इस हाथी को गुस्सा आ गया और इसने सैंग ची को उठाकर पानी में पटक दिया। बस फिर क्या था, ये क्लिप रातों रात इंटरनेट की दुनिया में वायरल हो गई। नंबर 3, जापान की मेताबो लॉ के अनुसार 40 साल से ज्यादा उम्र के पुरुषों की कमर 33.5 इंच से ज्यादा और औरतों की 35.4 इंच से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ये स्केल यहाँ के सरकारी कर्मचारियों का मोटापा जांचने के लिए रखी गई है। हालांकि ये मापदंड से ज्यादा होने पर कोई फाइन नहीं लिया जाता, बल्कि उन्हें फिट रहने के लिए टिप्स दिए जाते हैं और उन्हें वेट लॉस क्लासेस अटेंड करनी पड़ती है। नंबर 2, एक रिसर्च के मुताबिक अगर पुरुष एक हफ्ते के लिए कहीं बाहर घूमने जाते हैं तो आमतौर पर वो अपने लिए सिर्फ 5 जोड़ी कपड़े ही पैक करते हैं, लेकिन एक महिला अगर एक हफ्ते के लिए घूमने जाती है तो वो कम से कम 21 जोड़ी कपड़े पैक करती है। एंड फिर भी उनकी बात सुनो तो उनके पास पहनने के लिए कुछ भी नहीं होता। नंबर 1, कपड़ों की बात चल ही रही है तो इससे रिलेटेड एक और दिलचस्प फैक्ट मैं आपको बताता हूँ। महिलाओं पर की गई एक रिसर्च में ये पता चला है कि ज्यादातर महिलाएं अपनी जिंदगी का एक साल सिर्फ ये सोचने में निकाल देती हैं कि उन्हें कौन से कपड़े पहनने चाहिए जिससे उनका लुक बेहतर दिखे। इसके साथ ही इस रिसर्च में ये भी पता चला कि महिला दिन में 9 बार अपने ड्रेस और लुक को चेंज करने के बारे में ही सोचती रहती है। तो ये थे कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। आप उनमें से कौन सा फैक्ट सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को प्लीज लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।